तो चलिए भैया देखिए गेहूँ सब रख गया है, तो हम गाजर हम दोपहर में अन्नू हमारे घिस के रखी थी ना, तो हम चले इसको रख देते हैं इधर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से होंगे अपने परिवार के साथ। भैया नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो नवरात्रि ही चल रही है, तो फिलहाल आज ना देखिए जल्दी जल्दी घर का काम करके हम आ गए हैं देखिए खेत में। कहे थे खेतों में आज हमको बहुत काम है, आज दिमाग एकदम ख़राब है। आज सोच रहे ना आज सारा काम जो है पहले निपटा के ख़त्म करें, तो खेत में आज बहुत सारा काम है। ई वक्त बज रहा है 9:30 और 10-11 बजे तक आज सोच रहे धूप लगे चाहे कुछ हो पहले ये काम खेत वाला करें। मेरा काम रह जा रहा है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना ही हमारा कोनो किचन का वीडियो शूट हो रहा है और ना ही घर का भी कोनो काम मेंटेन हो पा रहा है। तो फिलहाल देखिए हमारे चारों तरफ तो गेहूं की लवाई कटाई सब हो चुकी है और हम करने वाले कहाँ हैं, पहले देखिए पानी चला दिए हैं, पानी आ रहा है। 2 दिन से सिंचाई नहीं हुआ था, मतलब कि खेत एकदम सूख रहे थे 2 दिन से। हमारे जो समरसेबुल है ना वो पानी का लेवल जो है भाग गया तो पानी आ नहीं रहा था, आज अचानक से पानी पकड़ा है तो आ रहा है। तो थोड़ा सा ये सब्जी जो है लगाए हैं ना वो सूख रहा है, तो हम सोच रहे कि सब्जियों को जो है इससे थोड़ा भर दें। हमारे यहाँ जो है इस वक्त जो इतनी कड़ी धूप हो रही है ना पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, तो मेरा जो है बोरिंग जो है कम है इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले पानी, हमारे यहाँ गांव में सबसे पहले पानी हमारे समरसेबुल का जाता है। तो रुके इसको खोलते हैं पहले। तो देखिए पानी जो है हम लगा दे रहे हैं इस खेतवा में, जो हम धनिया और नेनुआ वगैरह लगाए हैं ना सब फूल रहा है, फूल आ गए हैं बहुत बढ़िया से, उसी में पानी लगा देते हैं। तो सुबह जो है मूंग के खेत में सिंचाई कर रहे थे तो मूंग का खेत हो गया है, तो ये धनिया वगैरह देखिए सूख रहा है, देखिए नेनुआ में फूल आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा पानी हमको भरना था, भर देते हैं। तो चलिए भैया जब तक पानी जा रहा है और तब तक सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो खेत में हम बोए थे अजवाइन और मंगरेल, तो वो मंगरेल जो है तैयार हो गया है, तो चलते हैं हम मंगरेल काट लेते हैं खेतवा में से। अजवाइन में तो अभी बहुत बढ़िया फूल आया है, रुके हम आपको बैक करके दिखाते हैं अजवाइन के फूल भी आप लोग को, और मंगरेल जो तैयार हो गया है वो दिखाते हैं। तो देखिए हई जो है मंगरेल वाली क्यारी है, तो इसमें जो मंगरेल हम बोए थे वो तैयार हो गया है, देख रहे हैं ना इसका हई, देखिए ये फली है, देखिए ये जो है पक गया है, ये सब पक गया है। तो देखिए ये देखिए पक के तैयार हो गया है, और बता दे इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है ना इसको तोड़ने से, जैसे मंगरेल की खुशबू आती है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ई का तो देखिए पहले हम इसमें रख लेते हैं नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगा, तो इसको तो तोड़ेंगे, ये पूरे क्यारी में से जो है ये मंगरेल जो है हम निकालेंगे, और बगल वाली क्यारी में अजवाइन है, तो देखिए ई अजवाइन का फूल है, देखिए कितना प्यारा जो है इसका फूल है, देखिए ये सब अजवाइन जो है खूब बढ़िया फूला हुआ है। हालांकि पानी की कमी है, पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो आज इधर से हम ये काटेंगे और इधर बगल वाले क्यारी से पालक काटेंगे, तो यहीं से रास्ता बनाएंगे ताकि इस क्यारी में इधर पानी आ सके। तो चलिए फटाफट से पहले ही जो मंगरेलिया है इसको निकालते हैं। तो फिलहाल देखिए इतना जो है मंगरेल हमने ये तोड़ लिए हैं इतना है, तो अभी घर चलेंगे तो इसके बीज हम निकालेंगे। तो मन करा है कि अभी इसको तोड़ के इसके बीज निकालने का, ही देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है इसके बीज निकालने में और इसको सूंघने में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं। हाउ देखिए पालक का हमको काटना है, पालक का बीज भी निकालना है। तो देखिए इधर क्यारी में जो है थोड़ा इधर भी सिंचाई हो रहा है, तो ये जो हमने प्याज और इधर जो मूंग लगाए थे तो इसमें पानी जा रहा है, और इधर हमने इतने आधे पालक काट लिए हैं
तो चलते हैं, बाकी के जो बचे हुए पालक हैं ये सब भी जल्दी से जल्दी काट के सब निकाल लेते हैं। तो भैया देखिए, दो काम तो पक्का हो गया, एक वो पालक कट गया और दूसरा मंगरेल कट गया। और हम बैठे हैं अब लहसुन के देखिए खेत में, लहसुन एकदम से तैयार है। और ई वक्त एकदम लहसुन को खोद के निकालने का माने सही टाइम है एकदम से। अभी इस लहसुन को सब उखाड़ना है, तो बड़ा तेज धूप लग रहा है उधर, 10:15 हो गया है। बाकी तो यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इच्छा है, हमारे बगीचे का जो है परछाई पेड़ का पड़ रहा है, तो उसकी वजह से देखिए इच्छा है। तो चलते हैं, जब तक छाँ है तब तक जितना लहसुन निकल सकता है उतना निकालते हैं। कहते देखिए किसी के पास टाइम है नहीं, बस खाली वनली वन हम हैं। बस शिवम का पेपर चल रहा है, बोर्ड वाला नहीं है लेकिन उसका होम वाला पेपर चल रहा है। अनु लकी अभी वहाँ बनारस नहीं जा रही हैं, यहीं जा रही हैं, क्योंकि ये सब कमुआ सोच रहे हैं निपटा लें तो सीधे चले बनारस, तो उनका अभी एडमिशन नहीं किए हैं, एडमिशन फॉर्म लेके आए हैं, तो फिर लगा दे उनको तो रेगुलर वो सब अपना पढ़ने जाएँ। तो यह सब तितर बितर पड़ा हुआ है, तो इसी को हम सब समेटने में लगे हैं। तो किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं और सीधे जो है जितना हमको मिलता है समय, जहाँ तक छाँ है तहाँ तक चलिए हरी लहसुन निकालते हैं। और का एक काम आज भी बहुत ज़रूरी करना था, वो था आज बच्चों का बड़ा मन था गाजर का हलवा खाने का। तो खेतों में हमारे देखिए भी गाजर फूल जो दिख रहा है ना बड़े बड़े, वो गाजर जो है फूल गया है, वो ख़राब हो रहा है। तो चलते हैं, वो आज जो है वहाँ से गाजर सब खोदेंगे निकालेंगे और आज दोपहर में उसका हलवा बनाएंगे। तो अभी जब तक छाँ है तब तक पहले लहसुन निकालते हैं, उसके बाद गाजर निकालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से एकदम सब लहसुन के पेड़ सूख गए हैं और ज़मीन भी एकदम जो है ना, हाई देखिए एकदम कड़ा हो गया है। तो इसको निकालने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा, देखिए निकल नहीं रहा है, ऐसे खींच के इसको नहीं निकाल सकते, इसको खन के ही निकालना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, नहीं देखिए देख रहे हैं, तो इसी तरह से देखिए सारा लहसुन जो है देखिए एकदम सख्त ज़मीन हो गया है। तो ये सब निकाल लेते हैं, चलिए फटाफट से सब निकालते हैं। देखिए आधा दूर छाँ है, आधा से भी कम दूर छाँ है, तो जहाँ तक छाँव है तहाँ तक का काम होगा। तो भैया देखिए ये बखत बच गया है 1:30, और बता दे देखिए हम खेतों में से ले आए हैं गाजर निकाल कर और चल रहे हैं। अनु लकी अभी स्कूल से आ गई हैं, तो चलते हैं, ये सबको हम धोते हैं हलवा बनाने के लिए। देखिए अभी हमको काम करना है, सब लोग आ गए हैं, सभी लोग स्कूल से आ गए हैं, गेहूँ रखना है और जो बाहर बोरिया में है ना वो सब गेहूँ रखना है। तो हम चल रहे हैं इसको धुल के दे देने अनु लकी को रेतने के लिए, माने घिसने के लिए, और हम चल रहे हैं कमरा साफ़ करते हैं और ड्रम वगैरह सब साफ़ करते हैं गेहूँ रखने के लिए। और बता दे इतना गेहूँ गाजर हम खन पाए हैं, कैसे हम गाजर जब निकाल रहे थे ना कुदाल टूट गया, उसके दिखाते हैं। और भाई देखिए भाई जब हम गाजर निकाल रहे थे तो देखिए भाई जो कुदाल है ना भाई ये देखिए ये टूट गया, तो बस इतना ही निकाल पाए हैं। तो चल रहे हैं जितना निकला है ना बस इतने का ही हलवा बनाएंगे। तो देखिए काफ़ी मोटा मोटा गाजर हो गया, देखिए मोटा मोटा गाजर हो गया है, इसको छील के धो लेते हैं बढ़िया सा। तो एक तरफ रख देते हैं हलवा पकता रहेगा और दूसरी तरफ उधर जो हमें गेहूं वगैरह सब रखना है वो काम करते रहेंगे। तो देखिए हमारी अनु आ गई है स्कूल से और अनु लग गई है गाजर काटने में, और इसको घिसने का काम हमारी अनु करेगी ना। अनु से हेलो, हेलो नमस्ते राम राम। हेलो नमस्ते राम राम। तो पहले हम स्कूल से आ चुके हैं और आज मेरा हलवा खाने का मन कर रहा था, तो मम्मी ने गाजर काट के रखा था, तो फिर अब हम आए हैं तो इसे रात के बनाते हैं, मम्मी अपना उबालेंगी बनाएंगी। हाँ तो देखिए लकी भी आ गई,
सोलकी हेलो हेलो, खाना वाना नहीं मिला है? देखिए मुझे प्यास लगी और मम्मी मुझे पानी नहीं पीने दे रही है। हाई टंकिया नहीं देखा था, हाई अखिया कहाँ गई, हाई टंकिया नहीं देखा था पिया के। हाँ तवा कह रही है कि भी धूप में पानी लेके मत पियो। पानी लेके तोरे सब जने के पीछे पीछे हम घूमी, अभी हम खेते में से धूप में से आवत है तो वही हम भी कह रहे हैं। देखिए मम्मी कह रही है कि धूप में से आई हो, पानी मत पियो। हाँ तब मैं मर जाऊंगी बिना पानी पीना तो। तो हम मरा देव हम घबरा जी। तो भैया देखिए ये वक्त जो है शाम के 4 बज गए हैं और अब हम चल रहे हैं, ये सब ड्रम वगैरह सब साफ करके अंदर तो रख दिए हैं, और ये जो गेहूं हमारा आया है सब ना कट के, इन सबको चलते हैं हम सब रखने मिलकर। तो चलिए फटाफट से ये सबको पहले यहाँ से हटा देते हैं। चलिए भैया देखिए गेहूँ सब रख गया है, तो हम गाजर हम दोपहर में अन्नू हमारे घिस के रखी थी ना, तो हम चले इसको रख देते हैं इधर। इधर हलवा भी बनता रहता है अभी सब। देखिए बटोरना झाड़ना सब हमारा बाकी है, बाकी सोच रहे हैं कि धीरे धीरे पके, कैसे पकने में तो काफ़ी समय लगता है। दूध और रही गाजर पकेगा। तो चलिए भैया हई देखिए, हई जो हम मंगेलवा लाए थे खेतों में से, तो इसके दाने निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको खूब बढ़िया सही तरह से देखिए मसल देंगे तो इन टूट जाएगा, और फिर सूप से पछोड़ के इसके दाने निकालेंगे। तो यो चलिए इसको भी किनारे कर देते हैं। कहे ना दोस्तों कि गृहस्थी में इतना सारा काम होता है ना कि आप कभी भी जो है मौका नहीं मिल सकता। कभी भी सोचिए कुछ अलग करने के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। देखिए आजकल हमारा किचन का वीडियो नहीं बन पा रहा है इन्हीं सब के चक्कर में, भाई जो है थोड़े थोड़े चीज़ें सब खेतों में हैं, सोचे इन सबको फटाफट से जो है निपटाएं तो किचन का वीडियो फिर से शुरू करें। तो देखिए सारे मंगरेल जो है हम फोड़ लिए हैं, तो चलिए इसको पर फोड़ के निकाल देते हैं, देखें कितना दाना निकलता है। तो देखिए हाई देखिए हाई मंग रही के इतने बढ़िया जो है, देखिए दाने मिल गए मंगरेल के दाने। वाओ, तो इतना मंगरेल का दाना जो है तैयार हुआ है। तो इसको एक डब्बे में भर के रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मंगरेल तो निकाल लिए, और इधर जो है रखे हैं हम गाजर का हलवा बनने के लिए, तो चलिए होकर चेक कर लेते हैं। यही रख देते हैं, तो गाजर पकने में समय लगेगा।
तो फिर लीजिए भैया, देखिए गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो चलते हैं फटाफट से, हम लोग करते हैं नाश्ता। हो गया है काफ़ी जो है शाम, तो नाश्ता करके चलते हैं खेत में। थोड़ा बहुत लहसुन वगैरह सब निकालेंगे। तो भैया गाजर का हलवा बनके देखिए हो गया है तैयार। हम चल रहे हैं खाने हलवा रोटी। हमको देखिए लगा है भूख, इतना सारा काम किए हैं, हमको भूख लग गया है। तो हलवा रोटी चल रहा है खाने, खा लेते हैं तो फिर बाकी काम करेंगे। अभी वक्त बजने वाला है, 6 बजने वाला है। तो देखिए ये हमारा गाजर का हलवा और रोटी, और देखिए लकी पूरा कढ़ाई लेके बैठी है। और इधर शिवम का, शिवम पसंद आ रहा है लकी? बहुत मस्त है, मऊ खा के देखें। तो फिलहाल देखिए हो गया है शाम, और घर से सारा काम करके भी हम खाली हुए हैं। तो हम चल रहे हैं खेतों में फिर लहसुन निकालने। हमारी अनु जो है पहले से खेतों में है। याद हुई सबकी है हमारे पास। तो भैया देखिए लहसुन निकालते निकालते हो गया एकदम से अन्हियार। ये खाली हमारे मोबाइल से दिख रहा है इतना जो है उजाला, ना ही तो अन्हियार हो चुका है। और खेत में से हम ले लिए हैं खाना बनाने के लिए सब्जी। सब्जी में हमको मिला देखिए ये 3 बैंगन, और अपने जो हमने टमाटर लगाए थे ना, देखिए सब टमाटर पकने लगा है। तो भाई मिला इतना ढेर सारा टमाटर। तो चल रहा है 3 बैंगन और आलू टमाटर की सब्जी रोटी शाम के खाने में आज बनाएंगे।